गैलेक्सीज, आकाश गंगा जैसी न जाने कितनी गैलेक्सी हो सकती हैं, इस सब का मैप आपके शरीर के अंदर है। और आपके शरीर के अंदर ही नहीं, आपके अंदर जो एक सेल है उसके अंदर भी उसका मैप है। अंडे पिंड सोई सोई अंडे पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये अंडे पिंडों में छुपा हुआ है। मुर्गी के अंडे के अंदर मुर्गी का ही मैप नहीं है, उस अंडे के अंदर मुर्गी ही बैठी है, तो उस मुर्गी के उस अंडे के अंदर भी ब्रह्मांड का मैप है। आपके शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का मैप है, तो उसको तो कोई महायोगी पुरुष देख सकते हैं या परमात्मा देख सकते हैं, हर एक के बस की बात नहीं है। एक इन क्यों, जैसे आप आपकी शरीर के अंदर है तो आपका शरीर स्थिर है, शरीर है, दृश्यमान है, काम कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। ऐसे ही सूर्य लोक है, उसके अंदर सूर्य देव है, तब ये सूर्य स्थिर है। विष्णु भगवान ब्रह्मांड के अंदर हैं, तब ये ब्रह्मांड स्थिर है, कायम है। अगर विष्णु भगवान ब्रह्मांड से निकल जाए तो ब्रह्मांड की प्रलय हो जाएगी, इसके भी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में मिल जाएगा। तो जो ब्रह्मांड भगवान विष्णु की वजह से कायम है, ऐसे ही शरीर आपकी वजह से कायम है। लेकिन भगवान तो एक ही बार में सारी बात बोल देना चाहते हैं कि जीव भूता बोले तो इटर्नल पोटेंसी। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक सुपीरियर एनर्जी, एक इंफीरियर एनर्जी। इंफीरियर एनर्जी में ये 24 तत्व आते हैं, भौतिक तत्व, जिनसे सारा ब्रह्मांड जगत आपका शरीर दिखाई देता है। सुपीरियर एनर्जी में इटर्नल पोटेंसी जिसको बोलते हैं, सुपीरियर एनर्जी, ये इटर्नल है, शाश्वत है, ये आत्मा परमात्मा स्वरूप से है। तो ब्रह्मांड में भगवान है, ऐसे ही पृथ्वी मां की भी एक आत्मा है, इसलिए हम इसको पृथ्वी मां कहते हैं, धरती मां कहते हैं। तो इसके ऊपर रोमावली वृक्षावली है, सारे 24 तत्व उसके अंदर है। तद्दनिनी को भी बोलेंगे अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में प्राम। हे अर्जुन, ये भौतिक प्रकृति से परे मेरी और एक दूसरी प्रकृति भी है जो इससे परे है, जीव भूता महाबाहो ये इदम धारयति जगत, जो इटर्नल है, ब्लिसफुल है, फुल ऑफ नॉलेज है, आत्मा स्वरूप से है, परमात्मा स्वरूप से है। भगवान के अनंत अंश हैं जीवात्माएं, भगवान के विशेष अंश हैं विष्णु शिव, ये भी भगवान की शक्ति है, भगवान के पार्ट इनकार्नेशन है, प्लानेरी इनकार्नेशन है, अंश अवतार है भगवान के। ये कहिए, हमसे बहुत विशाल है। जिन विष्णु भगवान के कारण ये पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, वो कितने विशेष होंगे। हम हैं तो ये शरीर कायम है, लेकिन जीव भूता शब्द यहां भगवान ने कहा है, इसमें पूरे दृश्य दिखा दिए हैं। ये एकदम धारियत जगत, ये पूरा जगत जिसने धारण किया हुआ है, वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है, जीव भूता शक्ति है। तो हम में से किसी एक ने या 10-20 ने या 7 बिलियन आदमी धरती पर हैं, इन्होंने मिलने के मिल करके तो ये अनंत ब्रह्मांड धारण नहीं कर रखे, कर रखे नहीं।
हम सब ये पूरी पृथ्वी की प्रलय हो जाए तब भी ये चांद तारे रहेंगे, ब्रह्मांड रहेगा और अनंत ब्रह्मांड रहेंगे, उनकी प्रलय नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्रलय तो तभी होगी जब उनकी आत्मा महाविष्णु चली जाए। महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों की आत्मा है, प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो ये भगवान है, भगवान के बड़े अंश हैं, अवतार हैं, उनको भगवान ही कहा जाता है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा है, भगवान ब्रह्मा जी आत्म स्वरूप से हैं, अवतार भगवान के गिने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम आत्मा है ब्रह्मा जी हैं, 84 लाख योनियों का बीज तैयार करते हैं और जहां जहां पृथ्वी वहां पर उनके दूत उस बीज को छोड़ते हैं, जिससे संसार में जनसंख्या की वृद्धि होती है, चीते बाघ शेर हाथी घोड़े मोर तीतर मनुष्य नर नारी देवता दानव अप्सराएं असुर। त्रिगुणात्मिक माताएं हैं, तीन गुणों की देवियां हैं, ये सब भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। भौतिक संसार जो 24 तत्व से बनता है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, और आत्मा स्वरूप से अवतार स्वरूप से जितनी भी शक्ति है ये सुपीरियर एनर्जी है भगवान की। हम छोटे अंश हैं लेकिन भगवान विष्णु विशेष अंश है, भगवान के पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। महाविष्णु और भी विशेष है, ये अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हुए। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाभाव ये एकदम धारियते जगत। तो आप भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है, सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। तो कोई व्यक्ति, कभी आपने सुने होंगे कि किस भगवान को ढूंढते हो, आप खुद ही भगवान हो, ये गलत हो जाता है। हम भगवान नहीं है, हम भगवान की शक्ति है, हम भगवान की भोगे जाने वाली शक्ति है, वही एकमात्र भोक्ता है। भोक्ता रम्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अनंत ब्रह्मांडों का भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। हम उनके सबॉर्डिनेट बन करके उनके साथ आनंद ले सकते हैं लेकिन भोक्ता नहीं बन सकते। जब ये जीव, छोटा सा जीव भोक्ता बनता है तभी तो संसार में फंसा रहता है, तभी तो बार बार जन्म मरण जरा व्याधि भय मैं तो निद्रा आहार तमोगुण रजोगुण सतोगुण, कभी घोड़ा कभी हाथी, कभी क्षत्रिय कभी ब्राह्मण कभी शूद्र कभी वैश्य, किसी का भी जीवन स्थिर नहीं है। आज का शूद्र कल ब्राह्मण बन सकता है और आज का ब्राह्मण कल शूद्र बन सकता है, ये तो कर्मों की गति है। कर्मों में स्वतंत्रता दी है मनुष्यों को, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर भूर मा ते संवस्त कर्मणि। अर्जुन, कर्मों में तेरी स्वतंत्रता है, तेरा अधिकार है, तू चाहे जो कर्म कर, फल में नहीं, फल तेरे हाथ में नहीं है। तभी तो अर्जुन कंफ्यूज हुआ कि आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, अब मैं कौन से कर्म करूं जो आपका मेरा बिछोड़ नहीं हो, आपको मैं कभी भूलू नहीं, आपके श्री चरण कमलों में मेरा सदैव ध्यान मेरी रति मति बनी रहे। तब भगवान ने कहा था कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो अकर्म विकर्म सकर्म तीन प्रकार के कर्मों की विशेष चर्चा करी। उसमें भगवान ने कहा कि अकर्म सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, अकर्म करने वाला कभी मुझे भूल नहीं सकता, निष्काम कर्म यानी मेरी सेवा करने वाला,
मुझे कभी नहीं भूल सकता और वो पवित्र होकर मेरे धाम को आ जाता है। भगवान तो ये गीता को कुछ ही शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन समझने वाला भी तो चाहिए। हम मनुष्य जीवन में आ तो गए, लेकिन कर्म तो करेंगे आप, कर्म के बिना मनुष्य जीवन कैसा? पशु कर्म नहीं करे तो चल जाएगा, पक्षी पंछी कर्म नहीं करे तो चल जाएगा। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, पंछी तो बेचारा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो अजगर चाकरी किसकी करे भाई? अजगर मुंह खोल के पड़ जाता है जंगल में, कोई न कोई शिकार आके मुंह में फंस जाती है, खा लेता है। कोई चौड़ा मुंह उसको कुछ ऐसा समझ, कोई चुहाई घुस जाए तो खा लेता है, कोई नेवला घुस जाए खा जाता है, कोई कीड़े मकोड़े चले जाए मुंह में उनको निगल लेता है। अजगर है वो, किसकी चाकरी करेगा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। पंछियों को काम करते देखा है आपने? खाते पीते मस्त रहते हैं, ची ची चू चू करती हैं चिड़िया, गाती हैं गीत परमात्मा की, आनंद मग्न रहती है। बरसात हो जाए तो बरसात के पानी में नहाती है मस्त, बरसात नहीं हो धूल में नहा, धूल में ही प्रैक्टिस करती है नहाने की, आनंदित होती है, आह्वान करती है बारिश का, रेत में धूल में नहाना की धूल दूषित हो जाती है। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम तो है लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के बिना आप बैठ नहीं सकते, मनुष्य बैठ सकता है कर्म के बिना? पागल हो जाएगा। किसी को भी एक घंटे तो बैठा के देखो, किसी को 10 मिनट तो बैठा के देखो, बैठता ही नहीं है कि तू 10 मिनट भाई शांत बैठ जा, कुछ करे मत, तू बैठ जा बस 10 मिनट। बोलते पागल तो नहीं हो गए? क्यों बैठ जाऊं मैं 10 मिनट? 10 मिनट में न जाने क्या क्या कर लूंगा, ईमेल चेक कर लूंगा, चिट्ठियां फाड़ के देख लूंगा खोल के, बाथरूम में चला जाऊंगा 10 मिनट के, वहां मैं अपना काम कर लूंगा कुछ। क्यों मैं 10 मिनट बैठ जाऊं? मनुष्य बैठता ही तो नहीं है। ये तो सब अंदाजे डार्विन ने लगाए और ये घोषणा की कि ये मनुष्य बंदर से आया है। कि बंदर बैठता है कभी? बंदर बैठता नहीं, उछलता है कूदता है फांदता है, नजरें नचाता है, पूछ घुमाता है, खुजली करता है। कभी अपने करता है, कभी दूसरे बंदरों के करता है, खुजालता है। तो बोलते मनुष्य को भी ये खुजली है, ये बैठता नहीं, ये भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसको बैठना सिखाओ। ये ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, ये मनुष्यों के लिए तो खुले हैं कि बैठना सीख जाएं। बैठना ही भूल गए तो गुरु जी बैठाते हैं, एक घंटे शांत हो जाओ, बैठो शांत, सांसों पे ध्यान दो। अभी कोई मारवाड़ी को बैठा दोगे कि सांसों पे ध्यान दो तो बैठ सकेगा? नहीं। बोलता है एक घंटे में मैं जाने कितने कमा लूंगा, ये क्या बेवकूफी है, सांसों पे ध्यान दो, इस पर ध्यान देने की जरूरत क्या है, ये तो चल ही रही है, ये तो भगवान कर ही रहे हैं सब, सबके दाता राम। नहीं, भगवान ने कहा कर्मों में तेरा अधिकार है, कर्म नहीं करेगा तो तू पेट कैसे भरेगा? कर्म तो करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकार रस्ते, तो भगवान की जो है निष्काम सेवा भगवान से प्रेम बढ़ा देती है, हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाती है और हम भगवान को, भगवान के चिंतन में, भगवान से मिलन के क्षण के इंतजार करते करते जो शरीर को त्यागते हैं तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। गीता तो इतनी है बस। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सेवा कर अर्जुन, तुम मना क्यों करता है? अरे मेरी सेवा है युद्ध करना, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि मेरी ये सेवा कर और तू मना करता है, तो फिर मुझे कैसे प्रसन्न करेगा तू?
मैं तुझे प्रसन्न करने तेरे रथ का सारथी बना, तू मुझे प्रसन्न करने भी तो कुछ कर, बन कर मेरी सेवा कर, इससे सब दिव्य गुण तेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे। भगवान की सेवा करते करते श्रद्धा प्रकट हो जाती है, भक्ति प्रकट हो जाती है, पवित्रता प्रकट हो जाती है, सारे दैवी गुण व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाते हैं और परमात्मा का प्रेम प्रेम की हिलोरें उठती हैं और एक दिन वो बहुत सूक्ष्म पवित्रता में जाकर के भगवान से मिलने के लिए पागल हो जाता है, भगवान को मिलना चाहता है और भगवान मिलते हैं उससे, भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं उसे। ये परम गति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।